गुड्डो, तूने अपनी रानू दीदी को आरती नहीं दी? ओह, मैं तो भूल ही गई, अभी देती हूँ। गुड्डो, क्या बात है रणबीर, मतलब घर में किसी को आरती मिले ना मिले, पर राणो को आरती जरूर मिलनी चाहिए, है ना? जी, मैंने ऐसा थोड़ी कहा है, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि अगर गुड्डो, पुत्र जब भी तुझे लगे तुझे घर जाना है तो मुझे कह देना, मैं तुझे छोड़ दूँ। वीर जी, आपको उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने गुड्डो से बात कर ली उसके घर जाने के लिए, है ना गुड्डो? अच्छा, तो तूने बात कर ही ली है तो तू छोड़ा गुड्डो को? और वैसे भी तुझे ही तो जाना चाहिए, क्योंकि कोई काम तो है नहीं तेरे पास, सारा दिन गुड्डो के घर जाने के बहाने ही ढूंढता रहता है तू, छोड़ा उसको? फिर जी, चुप। सुबह सुबह मेरा मुंह मत खुलवा रणबीर, ये जो आवारा आशिक की तरह तू पूरे डेरा बसी में चक्कर लगाता रहता है ना, ये मत सोच के किसी को पता नहीं है, सब जानते हैं हम लोग, तू क्या समझता है हम में से किसी को मालूम नहीं है? सबको पता है कि तेरा सारा दिन सारा वक्त कहां और किसके साथ गुजरता है। मैं अपना सारा वक्त कहां और किसके साथ बिताता हूं? क्या मतलब वीर जी, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे समझ आएगा भी नहीं, तू बहुत भोला है ना, मैं तुझे समझाता हूं। कल रात को जो तू लोरी गा रहा था ना, वो गा के सुनाता हूं तुझे। तब शायद तुझे कुछ याद आएगा। तुझे क्या लगता है अभी कुछ नजर नहीं आता? क्या सोचता है तू? कल रात जब तू आशिकी फरमा रहा था तब हमें कुछ मालूम नहीं था, या ये समझता है कि किसी ने तुझे उस लड़की के साथ आशिकी करते देखा नहीं? बड़ी हिम्मत आ गई है तुझ में, अब तू उस लड़की को हमारे घर में बुलाकर उसके साथ इश्क फरमा रहा है, कुछ शर्म ही नहीं रह गई है तुझे? शुक्र मना के प्रीत बहन जी वहां पे मौजूद नहीं थी, उनकी नजर नहीं पड़ी, नहीं तो वो तुझे और लड़की को दोनों को इस हवेली से बाहर फेंक देती। जी, आप गलत समझ रहे हैं, रानो प्रीत बहन जी की कही हुई बातों से परेशान थी, मैं सिर्फ उसे समझा रहा था, उसे उसे संभाल रहा था मैं, और कुछ नहीं। रानो परेशान थी, तुझे दिख रहा है, रानो की परेशानी तुझे खूब दिखती, पर प्रीत बहन जी परेशान है ये तुझे दिख रहा है? नहीं, और दिखेगा कैसे? तेरी आंखों के सामने वो रानो के प्यार का पट्टा पड़ा हुआ है, कैसे दिखेगा? वीर जी, मैं सिर्फ रानो से बात कर रहा था, उसमें गलत क्या है? शाबाश, जहां तुझे माफी मांगनी चाहिए वहां तू सफाइयां दे रहा है, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैंने रानो से अपने घर में मिलकर कोई गलती की है तो हम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। बस ये ड्रामा अगली बार के लिए बचा के रख, पट्टा आया माफी मांगने वाला। पीजी, गुड्डो को, गुड्डो को उसके घर मैं छोड़ दूंगा, तुझे ये तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं, समझ गया? रणबीर पुत्र, जी बीजी, रानो को पूछ सुखी कब आ रहा है उन्हें लेने के लिए, पूछ लेना पुत्र। जी बीजी, चल।